जय माता दी। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें और हर दिन फलाहारी व्यंजनों का मजा लें। आज मैं आपको साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साबूदाने को एक बाउल में डालें। फिर पानी डालकर इसे अच्छे से धोएं। और पानी को पूरा निकाल दें। फिर से थोड़ा सा पानी डालें जो कि साबूदाने से हल्का सा ऊपर दिखे। फिर इसे ढककर आप 8 घंटे के लिए या रात भर के लिए रख दें। कढ़ाई को गर्म करें, उसमें मूंगफली डालकर मीडियम फ्लेम में भूंजें। मूंगफली का कलर चेंज हो जाए व उसके छिलके निकलने लगे, मतलब वह अच्छे से भुंज गई है। सुनहरा होने पर इसे निकाल लें व थोड़ी देर ठंडा होने दें। मूंगफली ठंडी हो जाने पर इसे मिक्सर में पीस लें। अब कढ़ाई में ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो जाने पर इसमें जीरा, हरी मिर्च, कच्चे आलू के टुकड़े डालकर अच्छे से मीडियम फ्लेम में पकाएं। आलू को ढककर पकाएं। आलू पक जाने पर इसमें टमाटर प्यूरी डालकर मिक्स करें। टमाटर प्यूरी को ढककर भूंजें। जब टमाटर प्यूरी ऑयल छोड़ दे, इसका मतलब वह अच्छे से पक चुकी है। देखिए, टमाटर प्यूरी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें साबूदाने डालें, साथ ही मूंगफली का पाउडर, व्रत वाला नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। गैस को धीमा रखें। और इसे ढककर साबूदाने को पकने दें। साबूदाने को बीच बीच में चलाते रहें ताकि वह कढ़ाई में ना चिपके। इसे 5 मिनट तक पकाना है। देखिए, साबूदाने अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरी धनिया डालकर मिक्स करें। तैयार है खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी। आप इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं। नवरात्रि के अगले दिन में कौन सी रेसिपी बताऊंगी, यह देखने के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें।